Hello guys, welcome to Biomanthan classes. So today we are discussing about the last topic of biological classification, class 11th. हमारा ये chapter लगभग complete हो चुका है, except then five kingdom classification, जितने भी living organism थे, उनके अलावा, मतलब जो विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे देखने को मिले जो क्या था, किसी भी साइंटिस्ट ने इससे पहले उनको कहीं भी अपने क्लासिफिकेशन में नहीं रखा था, कोई भी प्लेस नहीं दिया था. तो बात करते हैं सम ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड, प्रियोन्स एंड लाइकेंस. कुछ ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम वायरस, वायरॉइड, प्रियोन्स की एंड लाइकेंस की. आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगी अबाउट लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियोन की मैं दूसरे लेक्चर में बात करूंगी. सिंपल सा जो टॉपिक लेते हैं, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइकेंस, कि लाइकेन क्या होता है. लाइकेंस एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच, फंजाई और एल्गी के बीच. एक्चुअल में लाइकेंस एक अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सिंपल सा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. मतलब इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ म्यूचुअली रहते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी और फंजाई का. और इसमें जो है, इस टाइप से अगर हम बात करें, ये हमारे डिफरेंट टाइप के और लाइकेंस हैं जिसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी. जैसे लाइक फोलियोज लाइकेंस है, क्रस्टोज लाइकेंस है. तो हम क्या करते हैं, इन लाइकेंस को डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे, कि इनका स्ट्रक्चर्स किस टाइप से है. लाइक ये है हमारे पास, सिंपल सा अगर मैं एक लाइकेंस का स्ट्रक्चर्स देख रही हूँ, इस टाइप से आप लोगों ने देखा होगा कि चट्टान या पत्थर पे हम लोगों को इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलते होंगे, जैसे आप कहीं जैसे ऐसी जगह पे जाते होंगे जहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट है, वहाँ पे आपको रॉक्स या पत्थर पे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. ये एक्चुअल में कोई एल्गी या कोई प्लांट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन एल्गी प्लस फंजाई का, प्लस फंजाई. तो क्या करते हैं, अब इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं. पहला मिल रहा है एल्गी. अगर मैं इस पार्ट को बोलूं, इस वाले पार्ट को मैं बोलूं, इसमें जैसे इस वाले पार्ट में जो होते हैं, दिस इज फंगल पार्ट, फंगल. और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसका एल्गल पार्ट है. इसका जो फंगल पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइकोबॉइंट, माइकोबॉइंट. जो इसका फंगल पार्ट, है इसको हम बोलते हैं माइकोबॉइंट, और जो इसका एल्गल पार्ट है इसको हम बोलते हैं फाइकोबॉइंट. ये इसके ये का है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि बॉटनी का ऐसा ब्रांच जिसमें एल्गी का स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी के नाम पे हम इसको फाइकोबॉइंट बोल रहे हैं. और माइकोलॉजी का मतलब है ऐसी बॉटनी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम एल्गी का स्टडी कर रहे हैं. तो एल्गल कंपोनेंट लाइकेन क्या है, एक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का. इसमें क्या है, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबॉइंट बोलते हैं और माइको फंगल कंपोनेंट को माइकोबॉइंट बोलेंगे. ये क्या है, अब इसमें क्या है, हमें पता है कि फंजाई जो है वो क्या होती है, हेटरोट्रॉपिक होती है, जबकि एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉपिक. क्यों, क्योंकि एल्गी क्या है, एक प्लांट है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है. अब ये जो एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, ये क्या करता है, जो फंगस वाला जो स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है कि फंगस का जो स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है, हाइफी होता है और माइसीलियम्स होता है, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं कवक जाल, इसकी वजह से ये क्या करेगा,
जो वाटर है उससे न्यूट्रिएंट प्लस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और जो एल्गल पार्ट है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को इसमें क्या करेंगे, फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस। एक टर्म्स और आता है, लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेंस क्या करते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कहीं पे पोल्यूशन वाला जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे आपको बिल्कुल भी लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जाते हैं। या लाइकेंस हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि जो पायनियर वेजिटेशंस हैं ना अर्थ की, अर्थ पे जो सबसे पहले जो वेजिटेशन बनी उसको हम कहते हैं लाइकेंस। मतलब ये रॉक्स को तोड़ करके इस पे खुद ही ओरिजिनेट होते थे, मतलब ना तो इसमें रूट था और ना ही इसमें, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे पहले वेजिटेशन अर्थ पे बना था वो क्या था, लाइकेन था। और लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का। सेकंड थिंग हम इसमें क्या कह रहे हैं कि लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है, वहाँ पे लाइकेन्स का जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, जहाँ पे भी अब ये पर्टिकुलरली कौन से पोल्यूशन के एनवायरनमेंट में कौन सा एलिमेंट या कौन सा पोल्यूशन, कौन सी गैसेस बढ़ जाए कि जिससे इनका जो नंबर है वो कम होने लग जाता है। तो जो लाइकेन है वो स्पेशली SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है। मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में SO2 का पोल्यूशन, SO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से क्या है, हमें धीरे धीरे लाइकेंस गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि इस टाइप से हमने ये एक टॉपिक कंप्लीट किया। इसका जो पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले लाइकेंस क्या है, एक पायोनियर वेजिटेशन ऑन अर्थ, सबसे पहले जो वेजिटेशन बनी थी वो क्या थी, लाइकेंस थी। दूसरा क्या है, लाइकेन क्या है, एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें म्यूचुअली क्या रहते हैं, लाइकेन और फंजाई एक साथ रहते हैं। एल्गल पार्ट, एल्गी वाले पार्ट को हम इसको बोलते हैं फाइकोबोंट, जबकि हम इसके फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबोंट। इसमें इसका जो नेचर है, जैसे हम बोलते हैं जो एल्गी है उसमें क्लोरोफिल होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल जो इसमें होगी ये क्या होगी, ऑटोट्रॉपिक होगी। जबकि जो फंजाई वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगी, हेटरोट्रॉपिक होगी, क्योंकि फंगस में क्या होता है, वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब एसोसिएशन में रहने का क्या मतलब है, हमने देखा कि जो एल्गी है उसमें क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, फंगस को फूड बना करके देगा। और इसके बदले में फंगस क्या करता है, फंगस में हमें पता है कि जो हाइफी और माइसीलियम होते हैं जिनकी वजह से ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करेगा, एक तो एल्गी जो ये इसको क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो जो फंजाई है, फंजाई प्रोवाइड कराएगी, फंजाई एल्गी को शेल्टर, मिनरल और वाटर प्रोवाइड कराएगी। उसके बदले जो फंजाई है वो एल्गी, जो एल्गी है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कराएगी। तो इस टाइप से ये क्या है, एसोसिएशन में रहते हैं दोनों, म्यूचुअली एसोसिएट होते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, स्पेशली कौन सा, अगर किसी भी एनवायरमेंट में SO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो वहां से क्या होंगे, लाइकेंस का जो नंबर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि लाइकेन एक्चुअल में क्या ऑर्गेनिज्म है और लाइकेंस क्या होता है। एक और पॉइंट इसमें मैं बताती हूँ, जैसे माइकोराइजा आप लोगों ने सुना होगा, माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा का मतलब है फंगस प्लस, फंगस क्या होता है, हायर प्लांट्स की रूट्स में ग्रो करता है। तो हायर प्लांट की रूट प्लस फंगस का एसोसिएशन क्या कहलाएगा, माइकोराइजा। जैसे हम इसमें बोलेंगे साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस की रूट में माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। और ये साइकस में एक स्पेशल टाइप की रूट होती है, दैट इज कोलेरॉइड रूट। और साइकस की कोलेरॉइड रूट में क्या होता है, जो इसकी हायर मतलब जो इसकी रूट और फंगस के बीच एक एसोसिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लाइकेंस और माइकोराइजा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे वायरस, वायरल्स और प्रियोन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।